हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं देखने जा रहा हूँ व्हील का बियरिंग किस तरह से चेंज किया जाता है, उस बारे में मैंने वीडियो बना रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिए। आप मेरे चैनल में नया है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बेल बटन को जरूर दबाइए दोस्तों। और मैं सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ, देखिए पहले इसको खोल रहा हूँ, इस दोनों बियरिंग को चेंज करना है दोस्तों। दोनों बैरिंग को मैं चेंज करने वाला हूँ। पहले ये बैरिंग को बाहर निकालना है। ये बैरिंग को बाहर निकालने के लिए देखिए, मैंने इसके जरिए से पहले इसके ऊपर अभी इस बैरिंग को किस तरह से बाहर निकालना है, ये हमारा सिंपल तरीका है। देखिए ये प्लेन एक रॉड चाहिए, प्लेन इसके जरिए से मैं नीचे वाले को बाहर निकालने जा रहा हूँ। देखिए मेरा बाहर हो गया, देख पा रहे, देखिए। और दूसरा भी सेम उसी तरह बाहर निकालना है। ये दोनों बैरिंग बाहर आ गया है दोस्तों। मैंने सिंपल तरीका बताया, ये जरूर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और बैरिंग को किस तरह से इंस्टॉल करना चाहिए वो भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। बैरिंग बैठने के टाइम एक्सल के जरिए से इधर ठोकिए मत, इधर ठोकने से क्या होता है देखिए, इधर ठोकने से ये बैरिंग का मिडिल में प्रेशर पड़ता है, इसलिए जल्दी जल्दी खराब होता है दोस्तों। मैंने जो जिस तरह देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने किस तरह से बैरिंग बैठाता हूँ देखने की कोशिश कर रहा हूँ, उस तरह बैरिंग बैठाइए दोस्तों। एक्सल के जरिए से इस तरह बैठा के इधर ठोकिए मत, इधर ठोकने से जल्दी बैरिंग खराब होता है दोस्तों। ये न्यू बैरिंग, बैरिंग का साइज है 6301 6301। इसका MRP है 95 रुपीज। यूरो का जेनुइन ग्रीस दिया रहता है, फिर भी मैं थोड़ा ग्रीस डाल रहा हूँ। इसको डालने के बाद थोड़ा साइड में ग्रीस डाल के इसको फिट करना है। पुराना बैरिंग इसके ऊपर ही डाला, डाल के ये मेरा बराबर आ गया। दूसरा को कैसे इंस्टॉल करना है देखिए, ये मिडिल का बूस है, इसको सफाई करना चाहिए। ये मेरा सफाई हो गया, इसके अंदर भी सब कर लेना चाहिए, ज्यादा पुराना ग्रीस है। ये भी हो गया, अभी इस बुश में थोड़ा नया वाला ग्रीस डाल के सेट करना है। इसमें ग्रीस डाल दिया, इसको अंदर बैठा दिया। अभी ये हीरो का जेन्युइन बैरिंग है, देखिए इसका MRP भी 95 रुपीज है, आपको दिखाई दे रहा है। इसमें भी थोड़ा ग्रीस डालना है। ये हो गया, इसको पहले बराबर बैठना चाहिए दोस्तों। ये बराबर बैठने के बाद दूसरा बैरिंग के जरिए से बैठना नहीं चाहिए, दूसरा पुराना वाला बैरिंग से बैठने के बाद पुराना वाला बैरिंग बाहर आएगा नहीं, इसलिए जो ट्रैक है उसका जो वाल्व रहता है, मैं वाल्व भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ, उस वाल्व के जरिए से इसको बैठाइए। अभी वो वाल्व देखने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, देखिए ये बड़ा वाला वाल्व है, ये ट्रैक का वाल्व है। इस तरह से मैं बैरिंग बैठाता हूँ, ये
इसको इस तरह से बैरिंग बराबर आ गया है दोस्तों। दोस्तों मैंने जो जानकारी आप लोग को बताया जरूर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो जरूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को जरूर दबाइए। और जितना है बस, ओके बाय दोस्तों।